नाजका लाइंस, एक नाम जो विस्मय में फुसफुसाया जाता है, एक रहस्य जो हमारे ग्रह के ताने बाने में उकेरा गया है। दक्षिणी पेरू के शुष्क मैदानों में एक विशाल कैनवास फैला हुआ है जो रहस्यमय आकृतियों से सजा है, जो जमीन से समझने के लिए बहुत बड़ी है। ये आकृतियां, जिन्हें नाजका लाइंस के नाम से जाना जाता है, सदियों से मानवता को चकित करती आ रही हैं। ये प्रकृति की रचनाएं नहीं है, बल्कि एक गायब हो चुके लोगों की जानबूझकर की गई कारीगरी है। वे कौन थे, रेगिस्तान के ये प्राचीन कलाकार? इन विशाल जियोग्लिप्सों के माध्यम से वे कौन सा संदेश देना चाहते थे? क्या ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे या फिर खगोल विज्ञान के लिए एक प्राचीन कैलेंडर? उत्तर रेखाओं की तरह ही हमारी पहुंच से बाहर हैं। एक ऐसी पहेली जिसने पीढ़ियों से खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। नाजका रेखाएं केवल रेत में उकेरी गई रेखाएं नहीं हैं, वे मानवीय सरलता का प्रमाण हैं। सहस्राब्दियों से एक सेतु जो हमें एक खोई हुई लेकिन भुला दी गई सभ्यता से जोड़ता है। उनका अस्तित्व अतीत की हमारी समझ को चुनौती देता है। उन्नत ज्ञान और क्षमताओं की फुसफुस आता है जो अभी भी हमारी समझ से परे हैं। रेगिस्तान अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ हम नाजका रेखाओं के पीछे के सच को उजागर करने के करीब पहुंचते जाते हैं। पुरातत्वविदों ने इन रेखाओं के निर्माण के तरीकों पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ का मानना है कि ये रेखाएं धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, जबकि अन्य का मानना है कि ये खगोल विज्ञान के लिए एक प्राचीन कैलेंडर थी। नाजका रेखाओं की सटीकता और जटिलता ये दर्शाती है कि इन प्राचीन लोगों के पास उन्नत ज्ञान और तकनीक थी। वे कैसे इन विशाल आकृतियों को इतनी सटीकता से बना पाए, ये आज भी एक रहस्य है। इन रेखाओं का निर्माण कैसे किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने सरल उपकरणों का उपयोग किया या फिर उनके पास कुछ विशेष तकनीक थी? ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। नाजका रेखाएं हमें यह भी याद दिलाती हैं कि मानवता हमेशा से ही जिज्ञासु और रचनात्मक रही है। ये रेखाएं एक खोई हुई सभ्यता की कहानी कहती हैं, जो अपने समय से कहीं आगे थी। आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन रेखाओं के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें अतीत के और करीब ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि ये प्राचीन लोग कौन थे और उन्होंने ये रेखाएं क्यों बनाई। नाजका रेखाएं केवल एक पुरातात्विक रहस्य नहीं है, वे मानवता की असीम संभावनाओं का प्रतीक हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, हमारे अतीत में हमेशा कुछ ऐसा होगा जो हमें चकित करता रहेगा। रेगिस्तान अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ हम नाजका रेखाओं के पीछे के सच को उजागर करने के करीब पहुंचते जाते हैं। और शायद एक दिन हम इन रेखाओं के पीछे की पूरी कहानी जान पाएंगे। तब तक नाजका रेखाएं हमें विस्मय में डालती रहेंगी और हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि हमारे ग्रह पर अभी भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारी खोज और समझ की प्रतीक्षा कर रही है। नाजका रेखाएं पंपा कोलोराडा पर उकेरी गई हैं, जो दक्षिणी पेरू में नाजका और पाल्पा शहरों के बीच 80 किलोमीटर तक फैला एक ऊंचा डिजर्टी पठार है। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय भूगोल और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां की रेत और पत्थरों पर उकेरी गई ये रेखाएं एक विशाल कैनवास की तरह हैं, जो प्राचीन सभ्यता की कलात्मकता और विज्ञान को दर्शाती है। इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु और कम कटाव ने इन उल्लेखनीय आकृतियों को सदियों से चिलचिलाती धूप के नीचे छिपाकर रखा है। यहां की मिट्टी और पत्थरों की संरचना ने इन रेखाओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा गया है और इन रेखाओं ने हमें प्राचीन काल की एक झलक दी है। 20वीं सदी की शुरुआत तक व्यावसायिक हवाई यात्रा के आगमन के साथ नाजका रेखाओं का सही पैमाना और जटिलता सामने आई। जब पायलटों ने पहली बार इन रेखाओं को ऊपर से देखा तो वे हैरान रह गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे केवल आकाश से ही पूरी तरह से समझा जा सकता था। 1927 में पेरू के पुरातत्वविद टोरिबियो मेजिया जेस्पे रेगिस्तान के ऊपर की तलहटी में लंबी पैदल यात्रा करते समय रहस्यमय रेखाओं पर ठोकर मार गए। उन्होंने इन रेखाओं की जटिलता और उनके संभावित महत्व को तुरंत पहचान लिया। यह खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने नाजका रेखाओं के अध्ययन की दिशा बदल दी। उनके संभावित महत्व को पहचानते हुए उन्होंने अजीब आकृतियों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया, जिससे नाजका रेखाओं में गंभीर शैक्षणिक रुचि की शुरुआत हुई। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इन रेखाओं के पीछे के रहस्यों को सुलझाने के लिए
कई अभियानों का आयोजन किया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित किया। हालांकि 1930 के दशक तक जब वाणिज्यिक एयरलाइनों ने इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना शुरू किया, तब नाजका रेखाओं की सही सीमा स्पष्ट हुई। हवाई यात्रा ने इन रेखाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हवाई जहाज की खिड़कियों से झांक रहे यात्री अपने नीचे जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों की विशाल आकृतियां फैली हुई देखकर चकित रह गए, जिन्हें जमीनी स्तर से पहचानना असंभव था। इन आकृतियों की विशालता और जटिलता ने उन्हें विस्मित कर दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने नाजका रेखाओं के रहस्य को और गहरा कर दिया, और आज भी ये रेखाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हमें प्राचीन सभ्यता की अद्भुत कलात्मकता और विज्ञान की याद दिलाती है। भूगर्भ शाब्दिक रूप से पृथ्वी के चित्र, बड़े डिजाइन या रूपांकन हैं, जो जमीन पर पत्थरों, बजरी या पृथ्वी जैसे टिकाऊ तत्वों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। नाजका रेखाएं जियोग्लिप्सों के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय उदाहरणों में से हैं, जो डिजर्टी सतह को ढकने वाले लाल भूरे रंग के लोहे के ऑन्साइड लेपित कंकड़ को हटाकर बनाई गई है, जिससे नीचे की हल्के रंग की धरती का पता चलता है। नाजका लोग, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इस क्षेत्र में रहते थे, ने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ ये विशाल आकृतियां बनाई। साधारण औजारों और सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने पत्थरों को हटा दिया और ऊपरी मिट्टी को खुरच दिया, जिससे ऐसी रेखाएं बनी जो किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी हैं, कुछ 30 मीटर तक चौड़ी हैं। आकृतियां स्वयं अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जिनमें बंदर, चिड़ियों, मकड़ियों और यहां तक कि एक हत्यारा भेल जैसे जानवरों के साथ साथ सर्पिल, समलंब और पूरी तरह से सीधी रेखाएं जैसी ज्यामितीय आकृतियां हैं, जो डेजर्टी तल पर मीलों तक फैली हुई हैं। भाग 4, अतीत को समझना, पारंपरिक दृष्टिकोण। दशकों से पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने नाजका रेखाओं के रहस्यों से जूझते हुए उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाया है। हवाई फोटोग्राफी, श्रम साध्य भूमि सर्वेक्षण और सावधानी पूर्वक मानचित्रण ने रेखाओं की निर्माण तकनीकों और कालानुक्रमिक विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हालांकि नाजका रेखाओं का विशाल पैमाना और जटिलता, साथ ही स्वयं नाजका लोगों के लिखित अभिलेखों की कमी ने उनके उद्देश्य को समझना एक कठिन काम बना दिया है। नाजका रेखाओं के अर्थ और कार्य की व्याख्या करना एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुई है। प्रारंभिक सिद्धांतों ने खगोलीय संरेखण का प्रस्ताव रखा, यह सुझाव देते हुए कि रेखाएं एक विशाल खगोलीय कैलेंडर या वेधशाला के रूप में कार्य करती हैं। अन्य लोगों ने जल स्रोतों और सिंचाई प्रणालियों से संबंध स्थापित किए, जो शुष्क डिजर्टी वातावरण में महत्वपूर्ण है। हालांकि निश्चित प्रमाण मायावी बना रहा और नाजका रेखाओं के वास्तविक उद्देश्य पर बहस जारी रही। भाग 5, एक नया दृष्टिकोण, AI की उड़ान। हाल के वर्षों में पुरातत्व के क्षेत्र में एक तकनीकी क्रांति आई है, जो अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए अभूतपूर्व उपकरण प्रदान करती है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के आगमन ने पुरातत्वविदों को उन रहस्यों को उजागर करने में सक्षम बनाया है, जो सदियों से छिपे हुए थे। इन उपकरणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ड्रोन है, जो अब पुरातात्विक स्थलों के दस्तावेजीकरण और विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों और उन्नत इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन नाजका रेखाओं सहित पुरातात्विक स्थलों के दस्तावेजीकरण और विश्लेषण के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं। ये ड्रोन न केवल उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को कैप्चर करते हैं, बल्कि वे उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सकते हैं जो मानव पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई छवियों को विश्लेषण के लिए AI एल्गोरिदम में फीड किया जा सकता है, जिससे शोधकर्ताओं को अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी मिलती है। बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ ये प्रौद्योगिकियां शोधकर्ताओं को प्राचीन दुनिया पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं। AI एल्गोरिदम न केवल डेटा को तेजी से संसाधित करते हैं, बल्कि वे पैटर्न और रुझानों की पहचान भी कर सकते हैं, जो मानव आंखों से छूट सकते हैं। यह शोधकर्ताओं को अधिक सटीक निष्कर्ष निकालने और नई खोजें करने में मदद करता है।
AI संचालित छवि पहचान सॉफ्टवेयर अब हवाई तस्वीरों का विश्लेषण कर सकता है और विशाल डेजर्टी कैनवास के भीतर छिपे हुए पहले से अनजान जियोग्लिफ्सों की पहचान कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर न केवल जियोग्लिफ्सों की पहचान करता है बल्कि उनके आकार, पैटर्न और संभावित महत्व का भी विश्लेषण करता है। इस प्रकार AI शोधकर्ताओं को उन जियोग्लिफ्सों को खोजने में मदद करता है जो पारंपरिक तरीकों से छूट सकते थे। 2019 में जापान में यामागाटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने AI का उपयोग करते हुए नाजका क्षेत्र में 140 से अधिक नए जियोग्लिफ्सों की खोज की घोषणा की, जिनमें मनुष्यों, जानवरों और अमूर्त डिजाइनों के आंकड़े शामिल हैं। यह खोज न केवल नाजका रेखाओं की हमारी समझ को गहरा करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि AI प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम कितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये खोजें नाजका रेखाओं और दुनिया भर के अन्य पुरातात्विक स्थलों की हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए AI की अपार क्षमता को उजागर करती हैं। AI न केवल पुरातत्वविदों को अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि भविष्य में और भी अधिक रोमांचक खोजें संभव हैं। AI की मदद से हम अतीत के रहस्यों को उजागर करने और मानव इतिहास की गहरी समझ प्राप्त करने के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं।